हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। बात साल 1984 की है। 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मां की हत्या के शोक से उभरते ही राजीव ने जैसे ही पूर्ण रूप से कामकाज संभाला, वैसे ही उन्होंने अपने वफादार को अपने पुराने दोस्त के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हनुमान बनकर कश्मीर भेज दिया। ये वफादार सहयोगी थे राजेश पायलट और राजीव के पुराने दोस्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें उनकी मां इंदिरा के इशारे पर तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने 2 जुलाई 1984 को सीएम पद से बर्खास्त कर दिया था। फारूक की जगह उनके जीजा गुलाम मोहम्मद शाह को कांग्रेस ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया था। राजेश पायलट ने श्रीनगर के गुपकर रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंचकर सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का संदेश दिया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक भी रही। इसके बाद राजीव और फारूक में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले फारूक के साथ बातचीत या तो सीधे राजीव द्वारा या उनके वफादार केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री राजेश पायलट के माध्यम से हो रही थी। बाद में ये बातचीत 1974 के इंदिरा अब्दुल्ला समझौते की तर्ज पर बहुचर्चित राजीव फारूक समझौते में बदल गई थी। राजीव ने ऐसा करके अपनी दिवंगत मां की उस भूल को सुधार कर दोनों परिवारों के बीच के दशकों पुराने मधुर रिश्ते को जीवंत कर दिया था। इसमें राजेश पायलट की चतुराई और कुशलता की तारीफ की जाती है। वह अपनी प्रभावशाली हंसी और समझ के साथ राजीव और फारूक को करीब ले आए थे। इसीलिए पायलट को राजीव का संकट मोचक भी कहा जाता रहा है। हालांकि जैसे ही गुपकर रोड पर दो नेताओं के नज़दीकियों के रिश्ते बुनने शुरू हुए, मुफ्ती सईद और अरुण नेहरू स्थित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज्य में फारूक सरकार की दोबारा वापसी का विरोध करने लगे। राजीव ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए चचेरे भाई अरुण नेहरू, मुफ्ती सईद और परिवार के पुराने कश्मीरी विश्वास पात्र ML फोतेदार को कश्मीर पर चर्चा से बाहर कर दिया। इसके लिए उन्हें उनका विरोध भी झेलना पड़ा था। नवंबर 1986 तक आते आते राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने तय कर लिया था कि राज्य में दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनाएंगे और अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस बात पर भी दोनों नेता रजामंद हो गए कि 40% भागीदारी कांग्रेस निभाएगी और इस तरह राजीव ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी कश्मीर नीति और पारिवारिक दोस्ती दोनों पर यू टर्न लेकर नई सियासी कहानी लिखी। उस समय इन दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रमों को कवर बनाने वाले पत्रकार अश्विनी भटनागर ने अपनी किताब राजीव लोटस ईयर्स में लिखा है कि राजीव और फारूक एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों परिवारों के बीच भी मधुर रिश्ते थे। जब भी नेहरू गांधी परिवार कश्मीर में होता था, चाहे वो छुट्टियां पर हो या दौरों पर, अब्दुल्ला परिवार हमेशा उनकी खातिरदारी में मौजूद रहता था। इसीलिए राजीव फारूक को अच्छी तरह से जानते थे और वास्तव में वे अब्दुल्ला के परिवार को भी काफ़ी पसंद करते थे। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी में भी समानता थी। फारूक ने मेडिकल की पढ़ाई की थी और प्रैक्टिस करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। उन्होंने एक ब्रिटिश लड़की मौली से शादी की थी और एक आधुनिक उदारवादी शख्सियत थे। वह भी अपने पिता शेख अब्दुल्ला की बीमारी की वजह से राजनीति में उतरे थे और पिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने भी ब्रिटिश शहर कैम्ब्रिज में रहकर ही पढ़ाई की थी और विदेशी युवती सोनिया गांधी से शादी की थी। राजीव भी अपनी मां के निधन के बाद ही प्रधानमंत्री बने थे। भटनागर ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव के नाना जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर से गहरा आकर्षण था। वह मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे। कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला उनके अच्छे दोस्त थे। इंदिरा गांधी से भी शेख अब्दुल्ला के अच्छे संबंध थे, लेकिन 1983 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों और परिवारों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। इंदिरा ने फारूक अब्दुल्ला और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ राज्य में आक्रामक चुनावी अभियान चलाया था और उनकी सरकार द्वारा पारित पुनर्स्थापना बिल के खिलाफ खूब सियासी जहर उगला था। यह बिल उन दोनों को फिर से कश्मीर में बसने, पुनर्वास या लौटने की अनुमति देता था जो 1954 से पहले पाकिस्तान चले गए थे। इस बिल को इंदिरा गांधी ने कथित तौर पर मुस्लिम आक्रमण बताकर इसका धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी किया था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।